फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं मटर पुलाव बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने लिया है चावल 200 ग्राम, फिर से ये मटर लिया है मैंने 100 ग्राम, और ये कुछ काजू लिए हैं। उसके बाद हमने लिया है तड़का के लिए ये दालचीनी लिया है, सॉरी दालचीनी इसको बोलते हैं, ये जावित्री है, ये स्टार रेसियंस है, गरम मसाला है मींस बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, तेजपत्ता और नटमेग मींस जायफल हैं। तो ये सारे मिला के हमें मटर पुलाव बनाना है। सबसे पहले हमें चावल को एक घंटे भिगो के छोड़ देना है, जिससे जो हमारे चावल बनते हैं वो बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। तो पहले हम इसे साफ करके और भिगो के एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। मैं जा रही हूँ मटर पुलाव बनाने, तो उसके लिए पहले हमें गैस को ऑन कर देना है और इस पर कढ़ाई रख के इसे गर्म होने देना है। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें हम घी डालेंगे। यहाँ मैं घी 2 टेबल स्पून यूज कर रही हूँ। ये जमा हुआ है, अभी ठंडी की मौसम है तो ये जमा हुआ है, वैसे ये 2 टेबल स्पून है। अब इसे घी को गर्म होने देंगे। हमारा घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम तड़का डालेंगे। तड़का के लिए 2 तेज़पत्ता डालना है, उसके बाद मैंने जीरा लिया है, जीरा डाल दूंगी। जैसे मैंने गरम मसाला कुछ लिया है खड़े, वो भी मैं ऐड कर दूंगी। जब तक ये लाल नहीं होता है हमारा तड़का, तब तक इसे हमें फ्राई करना है। जब ये चटकने लगेगा फिर इसमें हमें कुछ काजू है ये ऐड करना है। काजू हल्का सा ब्राउन करना है। हल्के से हमारे काजू ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें हम मटर डालेंगे, जो हमने मटर लेके रखा हुआ है। ये हमारा मटर है, इसमें ऐड कर देंगे। और इसे ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट के लिए इसे भूनेंगे, 1 मिनट के लिए। हमारा 1 मिनट हो चुका है, अब इसमें हम चावल डालेंगे जो हमने लिया था। ये 200 ग्राम चावल है और इसे हमें फ्राई कर देना है। इसके लिए जो पानी है थोड़ा सा वो इसको सुखा देंगे और इससे हमारा चावल भी कुछ देर फ्राई हो जाएगा। तो हमें इसको फ्राई करना है कुछ देर। ये हमारा फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हो कि जो भी वाटर थे थोड़ा बहुत वो सूख चुके हैं और हमारा चावल भी थोड़ा सा फ्राई हो गया है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा करना है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, चावल के हिसाब से इसमें हम पानी डालेंगे। हमने पानी ऐड कर दिया है, अब इसमें हम हल्का सा पीसा हुआ गर्म मसाला भी ऐड करेंगे, हल्का सा गर्म मसाला भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, जिससे इसमें टेस्ट आ जाए। बिल्कुल ज़रा सा हमें इसमें नमक ऐड करना है। अब इसको हम ढक देंगे, जब तक चावल नहीं पकते हैं इसे हमें ढक के पकाना है लो फ्लेम पे। हमारे राइस पक चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा सा हम धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा। ये हमारे मटर पुलाव बनके रेडी हो गए हैं।